हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम लेंसेज को कंबाइन करके उनकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं, इफेक्टिव फोकल लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम अलग अलग लेंसेज यूज करें जिनके अलग अलग फोकल लेंथ हो। देखते हैं, लेट्स से कि आपके पास एक लेंस है, लेट्स से कि दिस इज लेंस वन L1, एंड लेट्स से कि आपके पास एक और लेंस है, लेट्स से लेंस टू। नाउ अगर आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखे A, तो यहां से जो रे निकलेगी एक हॉरिजॉन्टल वाली जो रे है, ये तो डेविएट नहीं होगी, सीधी जाएगी क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये आपके ऑप्टिकल सेंटर है फर्स्ट के लिए और ये सेकेंड के लिए। ये जो रे है जब लेंस वन से पास होती है, लेंस वन से पास होने के बाद वो इस पॉइंट पर इमेज क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेंस टू इसकी जो इमेज है वो आई डैश पर नहीं बनेगी, वो बनेगी इस पॉइंट पर जिसे हम कहते हैं आई। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है? लेंस वन इमेज यहां क्रिएट करना चाहता था आई डैश पर, लेकिन लेंस टू जब आप प्लेस करेंगे तो ये आई डैश जो रे ऑफ लाइट यहां पर आने वाली थी वो इस पर इंसिडेंट होगी, यानी कि ये आई डैश बिहेव करेगा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, जैसा हमने लेंस इक्वेशन में भी देखा था। नाउ लेट्स से फॉर लेंस वन, हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे क्या? वी, फाइनल इमेज के आपके डिस्टेंस है ये। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस की वैल्यू को हम कहते हैं लेट्स से वी डैश। क्यों वी डैश? क्योंकि आई डैश इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस की वैल्यू हमने आई डैश लिखी। लेंस वन के लिए अगर आपको लिखना है लेंस मेकर्स इक्वेशन, तो आप क्या लिखेंगे? 1/F1, यानी कि अगर लेंस वन की फोकल लेंथ F1 है तो आपका इक्वेशन क्या होगा? 1/V-1/U। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, लेकिन 1/V का, ये V का मतलब क्या था? इमेज डिस्टेंस। लेकिन वो इमेज डिस्टेंस लेंस वन के लिए, आपका इमेज कहाँ क्रिएट हो रहा है? आई डैश पर। तो आपकी इमेज डिस्टेंस कितनी है? वी डैश। तो आप यहाँ पर V नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे V डैश। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर वन। नाउ फॉर लेंस टू, वन अपॉन F2 विल बी इज इक्वल टू, अब लेंस टू के लिए आई डैश जो है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और आई जो है उसका होगा इमेज। तो आई डैश का डिस्टेंस वी डैश है जो लेंस टू के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम लिखेंगे 1/U की जगह पर लिखेंगे 1/V-। और इमेज डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? वी। सो 1/V, लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर टू। नाउ लेट्स से कि आपने अगर सिर्फ इन दोनों लेंसेस को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल लेंस है, एक ऐसा लेंस जिसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू लेट्स से है एफ, आपने ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट ए पर, जैसे यहां पर आपने रखा था, सेम डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? यू, जितना डिस्टेंस आपने यहां पर रखा था। और लेट्स से कि आपकी जो इमेज बन रही है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का डिस्टेंस है लेट्स से वी, जो यहां पर भी आपको मिल रहा था, यानी कि अगर आप पॉइंट ए को यू डिस्टेंस पर रखे यहां पर, तो आपकी जो इमेज डिस्टेंस है वो भी सेम है, लेकिन यहां पर आपने दो लेंसेस यूज किए हैं, यहां पर आपने सिर्फ सिंगल लेंस यूज किया है। ये आपका लेंस वन था और ये आपका लेंस टू। यहां पर आप बोल सकते हैं कि आपकी ये ऑप्टिकल सेंटर वन, ये ऑप्टिकल सेंटर टू, यहां पर आप कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ है। नाउ इस सिंगल लेंस के लिए अगर आपको फोकल लेंथ का वैल्यू लिखना हो या फिर लेंस मेकर्स का इक्वेशन लिखना हो, तो लेंस मेकर्स का इक्वेशन हमें पता है, राइट? ऐसा कुछ होता है सिंगल लेंस के लिए। सो इन दोनों लेंसेस में कॉम्बिनेशन करने के बाद यू डिस्टेंस के लिए
आपको इमेज कहाँ मिला, v डिस्टेंस पे, और यहाँ पर सिंगल लेंस के लिए u डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए आपको v का वैल्यू क्या मिला एज इमेज डिस्टेंस, यानी कि दोनों का इफेक्ट क्या है, सेम है, राइट. सो ये जो f आपने लिखा है यह है इफेक्टिव फोकल लेंथ, यानी कि इन दोनों कंबाइन करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है उसकी वैल्यू क्या है, f. अच्छा, ये इक्वेशन वन और टू को जरा ऐड कीजिए. तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, क्या मिलेगा आपको, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, वन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी डैश. अब ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. आपके पास क्या बचेगा, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू. ये आपको यहां पर दिख रहा है, राइट. यह है इक्वेशन नंबर, लेट्स से फोर. तो इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर में राइट हैंड साइड क्या है आपकी, सेम है. सो यू विल राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर से आप क्या लिख सकते हैं, दैट वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू. तो इस इक्वेशन का कंक्लूजन क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ और रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ अगर आप कहना चाहें इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस. यानी कि आपको अगर फोकल लेंथ चाहिए फाइनल वाली, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सारे फोकल लेंस के रेसिप्रोकल का एडिशन या फिर समेशन. नाउ लेट्स से कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ लेंसेस है, ये तो हमने सिर्फ दो लेंसेज के लिए क्या है, लेट्स से हमारे पास ऐसा n नंबर ऑफ लेंसेज है, तो हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस वन अपॉन एफ थ्री प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन एफ एन, राइट. सो इस तरह से हमें समझ में आता है कि रेसिप्रोकल्स जो है सारे फोकल लेंथ के क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे. सो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की फाइनल या फिर इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी. आई होप आपको समझ में आया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस हम किस तरह से कर सकते हैं. थैंक यू.